हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम विंटर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। के लिए टोटल मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और लाइनिंग भी मैंने 1 मीटर ली हुई है। ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है जिसमें से मैंने लहंगा बनाया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसे ज़रूर देखें। तो इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये फैब्रिक 2 फोल्ड में है। यहाँ से हम मार्क कर लेंगे कपड़े की विड्थ, तो वो मैं 11 इंच मार्क कर रही हूँ। मैं इसे 36 चेस्ट साइज के का ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 11 इंच इस तरह से मार्क कर लिया है। कपड़ा डबल फोल्ड में है। ऊपर से हम इसे बराबर कर लेंगे कपड़े को और इसके बाद हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। इसकी लेंथ जितनी भी आपको तैयार चाहिए उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। मुझे ये 15 इंच की रेडी चाहिए, मैं इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। यहाँ पे मैं 17.5 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मैंने मार्क किया। यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से और इसके बाद इतने कपड़े को हम कट कर लेंगे। इस तरह से ये एक पार्ट के लिए हमने कट कर लिया है और दूसरे पार्ट के लिए देखिए ये बैक से ओपन होगा तो यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे। इस तरह से नीचे वाला पार्ट हमने 1/2 इंच बढ़ा के रखा है बंद वाली साइड से, क्योंकि हम इसे बैक से ओपन रखेंगे। कपड़े को फिक्स कर लेते हैं बिल्कुल बराबर से। इस तरह से नीचे वाला पार्ट 1/2 इंच बढ़ा के रखा है, इस तरह से मैंने फिक्स कर लिया है कपड़े को। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर मार्क करेंगे, तो जो ऊपर वाला कपड़ा है वहाँ से देखिए रखते हुए मैं इसमें शोल्डर मार्क कर रही हूँ। मैंने 6 इंच मार्क किया है। आर्म होल के लिए मैं 6.5 इंच मार्क करूँगी। दोनों पॉइंट्स को इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच के मिला लेंगे और इसके बाद हम चेस्ट मार्क करेंगे। तो चेस्ट का 1/4 + 2 इंच लेना है, तो मैं टोटल 11 इंच ले रही हूँ 36 चेस्ट साइज के लिए। 36 का 1/4 9 इंच और 2 इंच का मार्जिन ले लिया है इस तरह से। यहाँ पे 1.5 इंच 1.5 इंच इस तरह से मार्क करेंगे कॉर्नर पे और इसे गुलाई देंगे। और इसके बाद इसकी जो टोटल तैयार लेंथ होगी वो 15 इंच होगी, तो यहाँ पे 15 इंच पे मैंने एक मार्क किया है। बाकी नीचे का जो कपड़ा है वो फोल्डिंग में यूज होगा फोल्ड करने के लिए, तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। और इसके बाद इसकी जो वेस्ट होगी वो हम देख लेते हैं। तो मैं इसे 28 वेस्ट साइज़ का बना रही हूँ, तो उसका 1/4 होता है 7 इंच, 2 इंच हम लेंगे मार्जिन इसमें और लगभग 1.5 इंच हम ले लेते हैं प्लेट्स के लिए। तो इस तरह से मार्क करने के बाद ऊपर तक मिला लेंगे क्रॉस में इसे। उसके बाद इसकी हम नेक मार्क करेंगे, तो नेक की जो विड्थ है वो इसमें मैं 2.5 इंच रखूँगी, तो इसमें जो नेक की विड्थ है वो मैं 3 इंच मार्क करूँगी। मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। फ्रंट और बैक दोनों में हम इसे वी नेक की शेप देंगे, तो ये फ्रंट का पार्ट मैं 6.5 इंच रखूँगी नेक डीप इसकी, और जो बैक का पार्ट है उसके लिए मैं 11 इंच मार्क करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे वी नेक की शेप दूंगी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में ही। तो ये फ्रंट का पार्ट है जो मैंने 6.5 इंच रखा हुआ है। शोल्डर पे यहाँ 1/2 इंच की स्लोप देंगे इस तरह से और इसके बाद हम इसे कट करेंगे। जो बैक की नेक है वो हम बाद में मार्क करेंगे, तो अभी हम इसे कट कर लेते हैं। तो उस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब इसमें से ऊपर वाला पार्ट हटा देंगे
जो कि फ्रंट का है, और इसमें हम हाफ इंच अंदर से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट के लिए और इसे हम कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली, और इसके बाद जो बैक का पार्ट है उसकी नेक हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे भी वी नेक की शेप देंगे इस तरह से, और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमने बैक की नेक भी कट कर ली है, इसे हम बैक से सेंटर से कट करके अलग कर लेंगे दोनों पार्ट्स को इस तरह से। और इसके बाद ठीक इसी नाप की हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है, तो इसे हम खोल के रख लेंगे इस तरह से। मैंने इसे खोल के रख लिया और लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से बिल्कुल बराबर से, इस तरह से रख लेंगे। इसे पहले हम पिन से फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने लाइनिंग पे भी कटिंग कर ली है। अभी यहाँ से देखिए नेक पे हाफ इंच लेते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने नेक में सिलाई लगा ली है, छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे इस तरह से, और इसके बाद लाइनिंग को हम अंदर की साइड टर्न कर लेंगे इस तरह से। देखिए अंदर की साइड मैंने टर्न कर लिया है, इसे भी हम अंदर की साइड टर्न कर लेंगे इस तरह। और टर्न करने के बाद इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे ताकि लाइनिंग और मेन फैब्रिक फिक्स हो जाए। तो अभी मैं इसे पिन से फिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद हम इसका फ्रंट का पार्ट ले लेते हैं। इसमें भी हमने नेक के शेप की सिलाई लगा ली है। अभी जो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। इसमें भी हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, और कट्स लगाने के बाद लाइनिंग को हम अंदर की साइड टर्न कर लेंगे इस तरह से। अंदर की साइड टर्न कर लेना है, और इसमें भी हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है इसमें। इसके बाद हम इसमें प्लेट्स के निशान बनाएंगे, तो इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। ये फ्रंट का पार्ट है, इसको डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया है। और इसके बाद हम इसमें प्लेट्स के निशान लगाएंगे। तो मैं इसमें वन टक्स इसे बना रही हूँ, सिर्फ इसमें एक प्लेट्स लगानी है। तो ऊपर से 10.5 इंच पे मैंने मार्क किया, बंद वाली साइड से हम एक मार्क करेंगे 3.5 इंच पे इस तरह से। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया था 2 इंच का, वो मार्क कर लेते हैं इस तरह से। और इसके बाद इसमें जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है, लगभग 1.25 इंच एक्स्ट्रा है, तो 1.25 इंच की हम प्लेट्स बना लेंगे इस तरह से दोनों साइड। इस तरह से मार्क कर लेना है, और यहाँ से हम इसे स्ट्रेट रखेंगे। ये कपड़ा हमारा फोल्डिंग में जाएगा, और ठीक इसी निशान को हम दूसरी साइड भी बना लेंगे इस तरह से। रखते हुए हल्के हाथ से टैप करेंगे ताकि ये निशान दूसरी साइड भी बन जाए, और इसे डार्क कर लेते हैं। और इसके बाद इस तरह से प्लेट्स को पकड़ते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली है प्लेट्स में, और इसके बाद मैं बैक का पार्ट ले लूँगी। इस तरह से, और यहाँ पे मैं हुक्स लगाऊंगी, तो उसके लिए ये स्ट्रिप मैंने ले ली है लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों से ही।
तो सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे, इस तरह से रखना है। ऊपर की साइड से हाफ इंच इस तरह से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद इसमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी इसी तरह से ऊपर की साइड से हाफ इंच फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद स्ट्रिप को अंदर की साइड इस तरह से देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है, और उसके बाद पिन से फिक्स कर लेंगे इसे यहाँ पे। और उसके बाद जो बैक साइड में प्लेट्स बनानी है उसके हम निशान बना लेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। और सबसे पहले जो हमने मार्जिन लिया था 2 इंच का, वो मार्क कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है, लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1.5 इंच की हम प्लेट्स बनाएंगे। तो बंद वाली साइड से मैंने 4 इंच पे मार्क किया है, और लेंथ इसकी तो पहले जो मार्जिन है वो हम मार्क कर लेते हैं नीचे की साइड, और यहाँ से जो प्लेट्स की लेंथ है वो मैं 4 इंच की रखूँगी इस तरह से। इस तरह से ऊपर तक हम क्रॉस में मिला लेंगे, और नीचे की साइड हम इसे स्ट्रेट रखेंगे। यही निशान हम दूसरी साइड भी बना लेंगे, और इस तरह से पकड़ते हुए प्लेट्स में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट में भी मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हम इसके शोल्डर सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे, तो इस तरह से रखेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है, 4 लेयर्स में। विड्थ इसकी जितनी आर्म होल कट की थी उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, तो टोटल मैं इसमें 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से। इसकी लेंथ देखिए, यहाँ ये लगभग 15 इंच है, इसकी लेंथ लगभग यहाँ पे 15 इंच है। बाकी मैं इसमें कपड़ा ज्वाइन करूँगी क्योंकि इसे मैं फुल स्लीव्स बनाऊँगी। तो यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे स्लीव की गोलाई देंगे इस तरह से, स्लीव की गोलाई देंगे। यहाँ स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे, तो वो मैं 7 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मिला लेंगे, उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स मैंने कट कर ली है। अब इसमें देखिए स्लीव में हमें कपड़ा ज्वाइन करना है, तो ये मैंने कपड़ा कट कर लिया है इस तरह से रखेंगे। इसकी टोटल लेंथ देखिए 23 इंच है, 2 इंच हमारा मार्जिन सिलाई में जाएगा फोल्ड करने में। और यहाँ से स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इसे कट कर लेंगे। स्लीव्स में मैं लाइनिंग अटैच नहीं कर रही हूँ, तो मैंने लाइनिंग कट नहीं की है, इस तरह से कट कर लिया है। और यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे दोनों स्लीव्स में। यहाँ देखिए मैंने शोल्डर इसके अटैच कर लिए हैं, अभी हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स का हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे इस तरह से पकड़ते हुए, यहाँ सेंटर में हम निशान बना लेते हैं। फ्रंट साइड की स्लीव हमें फ्रंट साइड में अटैच करनी है, इसका ध्यान रखना है। तो उस तरह से सेंटर मिला के रखेंगे और इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरह से सेंटर मिला के रखना है और इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से स्लीव्स अटैच कर ली है, इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है, और ये ब्लाउज़ बनके हमारा तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।